इस तरह से सेट कर सकता हूँ। तो माउनो के इस पॉडकास्टिंग कंसोल का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप पॉडकास्टिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल की डिवाइस, ये है माउनो कास्टर AME2 ऑडियो मिक्सर। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का ऑडियो मिक्सर है और ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आपके स्टूडियो को ये चार चांद लगा देगा। माउनो कास्टर E2 पॉडकास्टिंग कंसोल, और यहाँ पर इसके मेन मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। XLR माइक सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंट इनपुट, बिल्ट इन बैटरी, टू पीपल स्ट्रीमिंग, 12 लेवल ऑटो टोन, पिच नॉब, साइड चेन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रीमियम ऑडियो DSP, रिवर्ब कंट्रोल, नॉइज कैंसिलेशन, तमाम तरह के फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। MRP है 10,999 रुपीज, लेकिन इस समय आपको Amazon पर काफी कम कीमत में ये मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। मैंने इसे ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिलती है। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर एक इस तरह का इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया गया है, जिस पर देखकर आप कनेक्टिविटी वगैरह देख सकते हो, कैसे आपको इसके कनेक्शन करने हैं। सारी डिटेल इस इंस्ट्रक्शन कार्ड के ऊपर मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा इसके साथ एक सी टाइप कनेक्टिंग केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर USB A टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB C टाइप कनेक्टर दिया गया है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस ऑडियो मिक्सर को अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके साथ हमें दो ऑक्सिलरी केबल दी गई हैं, जिनके दोनों एंड पर 3.5 mm के कनेक्टर हैं, और ये है हमारा माउनो कास्टर AME2 पॉडकास्टिंग कंसोल। आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज है, डिजाइन काफी बढ़िया दिया गया है, लाइट वेट है। इसके अलावा यहाँ पर हमें प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। माउनो के इस कंसोल में इस बार हमें XLR पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप अपने माइक्रोफोन को XLR पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर पाओगे। इससे पहले जो इनका दूसरा मॉडल आया था, उसका ही मैंने वीडियो बनाया था AM200, उसमें XLR पोर्ट नहीं दिया गया था, जबकि इस डिवाइस के अंदर हमें XLR पोर्ट भी मिल जाता है। फैंटम पावर भी इसके अंदर दी गई है। तो माउनो के इस पॉडकास्टिंग कंसोल का इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े दो नॉब दिए गए हैं, इससे आप ऑक्सिलरी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप आउटपुट के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर भी कुछ नॉब दी गई है, जिससे आप लो, मिड, हाई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट गेन को कंट्रोल कर सकते हो, यहां से आप इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, यहां से मॉनिटर के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। यहां पर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ऑक्सिलरी माइक, इंस्ट्रूमेंट, साउंड पैड, मॉनिटर, आउटपुट। इसके अलावा नीचे की तरफ ट्यून कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो ट्यून का एक बटन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लूटूथ इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन बैटरी दी गई है, यहाँ से बैटरी का स्टेटस आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें साउंड पैड कीज दी गई है। ऊपर की साइड यहाँ पर जो तीन कीज दी गई है, यहाँ पर आप 60 सेकेंड तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा नीचे जो यहाँ पर 8 कीज दी गई है, इनमें आप 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ नॉब देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप पैड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से पिच को कंट्रोल कर सकते हो, रिवर्ब को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की साइड 6 और भी कीज दी गई हैं, शॉर्टकट कीज दी गई हैं, ये है रिवर्ब प्रीसेट, साइड चैन, म्यूजिक ओनली, ड्राई वेट, लूप बैक, और यहाँ पर डी नॉइज का एक फंक्शन बटन दिया गया है। इसके अलावा इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फैंटम पावर का ऑप्शन भी मिल जाता है, 48 वोल्ट फैंटम पावर का ऑप्शन दिया गया है। ब्लूटूथ को यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो आप माइक कनेक्ट करोगे, तो माइक 1 के वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और माइक 2 के वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कंसोल के बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, बैक लाइट को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, DC 5 वोल्ट सी टाइप कनेक्टिंग पोर्ट दिया गया है, USB C टाइप कनेक्टिंग पोर्ट दिया गया है, लाइव आउटपुट 1, लाइव आउटपुट 2, 3.5 mm के दो आउटपुट पोर्ट दिए गए हैं, मॉनिटर के लिए, हेडफोन के लिए, स्पीकर के लिए यहां पर एक मॉनिटर पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm का पोर्ट है ये भी, ऑक्सिलरी इनपुट का एक पोर्ट दिया गया है, माइक 2 का एक पोर्ट यहां पर दिया गया है,
3.5 mm का माइक पोर्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर माइक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप माइक को सेट कर सकते हो। कंडेंसर माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पर 6.35 mm का पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप अपना कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक XLR पोर्ट दिया गया है, जिस पर आप अपना माइक्रोफोन 1 यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर भी 3.5 mm के दो कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं, एक यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो, एक हेडफोन यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका दो यूजर है, दो लोग एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो एक अपना हेडफोन यहाँ लगा लेगा, दूसरा यहाँ लगा लेगा। माउनो के इस कंसोल के अंदर बिल्ट इन बैटरी दी गई है, जिससे आप आराम से इसे यूज कर सकते हो। कोई भी सप्लाई आपको लगातार कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करोगे, कुछ सेकंड होल्ड करोगे, यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। डिजाइन आप देख सकते हो, काफी मस्त डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अब इस डिवाइस को हम चेक करके देखने वाले हैं। अपने लैपटॉप से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कंडेंसर माइक्रोफोन को मैं इसके XLR पोर्ट पर कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा माइक्रोफोन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके XLR पोर्ट पर मैंने अपना माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया है। अगर आप अपना बोया माइक कनेक्ट करना चाहते हो, तो माइक 2 वाला जो पोर्ट है, 3.5 mm का ये पोर्ट है, इस पर आप अपना बोया माइक भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो USB C टाइप कनेक्टर है, इस पर मैंने C टाइप केबल कनेक्ट कर दी है, जो इसके साथ आई है। और इसके दूसरे एंड को मैंने अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। ये जो मेरा हेडफोन है, यहाँ पर मॉनिटर पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस डिवाइस को ऑन करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे, ये डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पर अपने मोबाइल फोन से भी इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल फोन पर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करूंगा और इस माइक के ऊपर मैं बोलूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो हमारा माउनोकास्टर E2 इसके साथ कनेक्ट हो गया है, और इसके ऊपर हम कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं। तो यहाँ पर काफी बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो मैं अब जो भी बोल रहा हूँ, वो माइक्रोफोन से आपको इसकी आवाज सुनाई देगी। तो हमने अभी आउटपुट यहाँ बिल्कुल लो कर रखा है, मैं धीरे धीरे आउटपुट को यहाँ से बढ़ाता हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मैं माइक्रोफोन पे बोलूँगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट के वॉल्यूम को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हम अपने माइक्रोफोन के वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ाएंगे। हमने माइक 1 पे कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से मैं माइक को बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। इसको मैंने यहाँ से फुल कर दिया, माइक के वॉल्यूम को मैंने यहाँ से फुल कर दिया। उसके बाद आउटपुट के वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ाएंगे, और उसके अलावा माइक को मैंने यहाँ से इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और उसके बाद यहाँ से हम मॉनिटर के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब आप मेरी आवाज जो सुन रहे हो, वो यहाँ से ही आ रही है। आउटपुट को हमने यहाँ से कंट्रोल कर लिया। उसके बाद अगर हमें अपना लो, मिड, हाई ये सेट करना है, तो मान लो आपको अगर थोड़ा बेस ज्यादा चाहिए, तो यहाँ से इसको घुमाओगे, बेस थोड़ा सा बढ़ गया। इसी तरह से मिड को भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप सेट करना चाहो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा माइक्रोफोन है, तो इसका बार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे आप सेट कर सकते हो कि जब तक आपका ये वॉल्यूम ग्रीन में है, तब तक आपका ऑडियो ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम इससे ज़्यादा हो रहा है, रेड हो रहा है, तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। डिस्प्ले पर आपको ये सब दिखता रहता है। इसी तरह से जो मेरा मॉनिटर का बार यहाँ पर देख रहे हो, मॉनिटर का चल रहा है, और ये हमारे मेन आउटपुट का बार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से हम आउटपुट के वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर, यहाँ से आप सारा को सेट कर सकते हो। जैसे ये हमारा ऑटो ट्यून है, इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये हमारा BB पर सेट हो जाएगा। फिर से एक बार प्रेस करोगे B पे हो जाएगा, पर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से ट्यून यहाँ सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो, यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, जैसे रिवर प्रीसेट यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप प्रेस करोगे तो जो हमारे प्रीसेट है, वो अपने आप ही इस तरह से चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इसकी जो ऑडियो है, उसको मैं यहाँ से इसके पिच को इस तरह से सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसका पिच यहाँ पर कर दिया है, और जैसे जैसे मैं इस साइड करूँगा, तो मेरा ऑडियो जो है चेंज होने चला जाएगा। इस तरह से चेंज होता चला जाएगा। यहाँ से आप अपना पिच सेट कर सकते हो, यहाँ से आप पिच सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रिवर्ब का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, तो जो हमारी आवाज है वो गूंजने लगेगी इस तरह से। ये देखिए, अब मेरी जो आवाज है वो यहाँ पर गूंज रही है, आप यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी यहाँ पर जो भी सेटिंग आपको करनी हो, वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक म्यूजिक मैंने प्ले कर दिया है अपने मोबाइल फोन पर, और उस म्यूजिक के वॉल्यूम को आपको बढ़ाना हो, तो यहाँ पर जो बड़ी वाली नॉब दी गई है, इससे हम म्यूजिक को इस तरह से बढ़ा सकते हैं।
तो बैकग्राउंड में हमारा म्यूजिक भी प्ले होने लगा है और बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया गया है साइड चैन का। यहाँ पर जो साइड चैन का बटन दिया गया है, अगर आप इसे प्रेस कर देते हो तो आपका जो म्यूजिक, मान लो इस तरह से म्यूजिक चल रहा होता है, तो होगा क्या, जैसे ही आप बोलोगे तो म्यूजिक अपने आप कम हो जाएगा, जैसे ही आप फिर से बोलना शुरू करोगे म्यूजिक कम हो जाएगा, और जैसे ही आप बोलना बंद करोगे म्यूजिक का वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। मान लो ये हमारा म्यूजिक यहाँ चल रहा है और मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो इस समय म्यूजिक और मेरी आवाज दोनों एक साथ आ रही है, म्यूजिक भी अपना वॉल्यूम पर चल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन हम साइड चैन वाले फीचर को अगर यूज करेंगे, इसे प्रेस कर देते हैं, तो आप देखोगे जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक म्यूजिक की ऑडियो थोड़ी सी कम हो गई है, और जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा म्यूजिक अपने आप फिर से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये देखिए जैसे 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 ही मैं बोलता हूँ म्यूजिक अपने आप कम हो जाता है। ये है इसका साइड चैन फीचर। यहाँ पर म्यूजिक ओनली का ऑप्शन दिया गया है, इसे जब आप प्रेस कर दोगे तो आपका जो म्यूजिक है म्यूजिक ज्यादा लाउडली सुनाई देगा और आपका ऑडियो हल्का सुनाई देगा। यहाँ पर एक ड्राइव एट का ऑप्शन भी दिया गया है। ड्राइव एट में जब आप इसे यूज कर रहे हो तो आपका ऑडियो इस तरह से सुनाई देगा, बाकी जो सारी आपके इफेक्ट है वो सारे इफेक्ट एकदम से आपके कैंसल आउट हो जाते हैं। इसके अलावा इस कंसोल के अंदर डी नॉइज का फंक्शन दिया गया है, यानी अगर आपके रूम में शोर वगैरह हो रहा है, फैन वगैरह चल रहा है, तो उसकी ऑडियो को ये जो नॉइज है उसे खुद ही कैंसिल कर देता है। या डी नॉइज का बटन आप दबाओगे तो जो आपका ऑडियो है वो पूरी तरह से क्लियर आएगा, सारा जो नॉइज है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर जो साउंड पैड बटन दिए गए हैं, ये भी बहुत ही यूजफुल बटन यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर के ये जो तीन बटन हैं, इन पर आप 60 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और नीचे जो 8 बटन दिए गए हैं इन पर आप 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इन पर आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो, कुछ भी आप रिकॉर्ड इस पर कर सकते हो, और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप इन्हें प्ले कर सकते हो सिंगल क्लिक से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा जो पहला वाला बटन है इस पर मैं कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। आपको जिस पर भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसे आपको दबा के रखना है। तो अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो धीरे धीरे ये जो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोश्याम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद इसे एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो अब हमारी ए बटन पर रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो चुकी है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई है। अब अगर आपको रिकॉर्डिंग को प्ले करना है बीच में लाइव करते करते, अगर आपको इसे प्ले करना है तो बस आपको एक बार यहाँ पर इसे दबा देना है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोश्याम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इसे चाहते हो लूप में चलाना, तो यहाँ पर जो लूप का बटन दिया गया है इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो मैसेज था वो लूप में चलता रहेगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ जो हमारा बी बटन है, इसकी रिकॉर्डिंग को मैं लूप में चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बी बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ लूप पे प्रेस कर दूंगा, तो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर अपने आप ही प्ले होती रहेगी। देखो आप श्याम चैनल पर। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा मावनो का ये पॉडकास्टिंग कंसोल बहुत ही कमाल का कंसोल है। इसके अंदर हमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को भी ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। XLR पोर्ट भी इसके अंदर दिया गया है, फैंटम पावर भी इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और देखने में भी बहुत ही मस्त लग रहा है। तो मावनो का ये पॉडकास्टिंग कंसोल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पॉडकास्टिंग कंसोल है। अगर आपको मावनो का ये पॉडकास्टिंग कंसोल अच्छा लगता है, आप इसे खरीदना चाहते हो, तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।